तुम बैठे ही कब थे अस्पतालों के लिए? तुम तो बैठे थे कि भैया नागरिकता छिन जाएगी या फिर तुम्हारी जमीन छिन जाएगी वाले झूठ फैलाने के लिए। तो आज हमारी स्वाभिमान पे लड़ी हुई लड़ाई को टारगेट क्यों कर रहे हो? प्रोपेगेंडा टाइम गाइस। तो गाइस अब जिनको नहीं पता उनको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर लफड़ा क्या चल रहा है, मीन प्रोपोगेंडा क्या चल रहा है। तो गाइस आजकल एक नया ट्रेंड आया है जिसमें हमारे कुंभ को और नागा साधुस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब ये चीज क्यों की जा रही है ये शायद बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता ही होगा। देखो मेनली इनको क्रिटिसाइज करने के दो लॉजिक है। पहला है सिंपल लॉजिक, कोविड का टाइम है, इतने ज्यादा डेथ्स हो रही है, इतने सारे केसेस निकल के आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी मास गैदरिंग होनी नहीं चाहिए थी, जो कि वो सिंपल लॉजिक है। और यहीं पर निकल के आता है दूसरा लॉजिक जिसको हम कहते हैं लिबरल लॉजिक। लिबरल लॉजिक के हिसाब से कुंभ को क्रिटिसाइज करना इसलिए जरूरी है, नागा साधु को क्रिटिसाइज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पिछले साल जिया 2020 में जमात वालों को क्रिटिसाइज किया था। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हैं, दोनों को बराबर रखना चाहिए है ना, अपने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं और दूसरी जगह एक लोग नर्सों के सामने नंगे घूम रहे हैं, डॉक्टरों के ऊपर थूक रहे हैं एंड इतनी अश्लील हरकतें कर रहे हैं जिनको मैं कैमरे पे नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी ये दोनों चीजें एक ही है अगर आप लिबरल हो तो। खैर गाइस देखो आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सिंपल लॉजिक के बारे में, इतनी बड़ी गैदरिंग क्यों हुई और अगर हुई तो इसके पीछे का इकोसिस्टम क्या था, इसके पीछे की चेन क्या थी और साथ ही साथ ये होना चाहिए थी या फिर नहीं। और यहीं पर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लिबरल वाले लॉजिक को डिस्ट्रॉय करूंगा या उसके बारे में बात करूंगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लिबरल लॉजिक को उतनी ही वैल्यू देता हूं जितनी बीजेपी कुणाल कामरा को फंड करती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको कॉमन चीजें बेसिक चीजें बता देता हूं। सो गाइस देखो जो कुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार लगता है और ये 3-3 साल होते हुए चार जगहों पे लगता है, मतलब हर 3 साल में एक ना एक जगह लगता है। इससे पहले वाला जो कुंभ था वो था प्रयागराज में 2019 में, उसके बाद 2021 में उत्तराखंड के हरिद्वार में ये कुंभ मेला आयोजित किया गया था। अब इस कुंभ मेले के शाही स्नान की शुरुआत हुई थी 11 मार्च को और उस टाइम तक 11 मार्च 2021 तक 189,000 एक्टिव केसेस थे इंडिया में और इसी दिन पूरे इंडिया से 22,000 न्यू केसेस सामने आए थे। और जहां ये हो रही थी उत्तराखंड में 11 मार्च को, उस टाइम 24 घंटे के अंदर 96 केसेस सामने निकल के आए थे। मतलब कुल मिला के 11 मार्च तक इंडिया में कोई भी सेकंड वेव नहीं आई थी। सेकंड वेव आई थी या नहीं आई थी ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि उस टाइम केसेस कम थे तो जिस तरीके से पॉलिटिकल रैलीज की स्ट्रेटजीज बनाई जा रही थी उसी तरीके से इस कुंभ मेले को भी ऑर्गेनाइज कर दिया गया था। लेकिन एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे हाल फिलहाल सेकंड वेव आ चुकी है, इतनी ज्यादा पीक पे है, तो जो ये कुंभ मेला था जो इतना बड़ा रिचुअल था जो 3 साल में एक बार आता है, टोटली अगर बोला जाए तो 12 साल में एक बार आता है, उसको भी कैंसिल कर दिया गया सेकंड वेव के चक्कर में। मेरा तो ठीक है, मेरा तो 12 साल में आता, परंतु स्थिति को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए ये सब स्थितियां थोड़ा सा उत्पन्न हुई है, इसलिए हमने यही लिया है, यही निर्णय लिया कि हम जो है मेले को समाप्त करते हैं। अब ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, यहाँ पर थोड़े से और फैक्ट्स निकल के आपके सामने आएंगे, जिसमें से पहला फैक्ट ये आता है कि शाही स्नान तो 11 मार्च से शुरू हुआ लेकिन इस कुंभ का जो पर्व स्नान है वो 14 जनवरी से शुरू हुआ था। एंड 14 जनवरी वही टाइम था शायद जब आपके फेवरेट प्रोटेस्टर सड़कों पे लाखों की तादाद में बैठे हुए थे, उसी के आसपास किले पे चढ़ के तुमने दंगा किया था, याद है ना तुम्हारे प्रोटेस्टर्स ने। तो कुंभ का ये जो आयोजन था ना वो एकदम रैंडमली नहीं हो गया था कि यार आज 20,000 केसेस आ रहे चलो कल से कुंभ लगा देते, नहीं, ऑलरेडी सेट था। जब एक प्रोटेस्ट करने की आजादी दी जा सकती है तो कुंभ की क्यों नहीं दी जा सकती, या तो प्रोटेस्ट के भी अगेंस्ट बोलो, सीधा सीधा बोलो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे। अगर कुंभ का आयोजन होगा और कोइंसिडेंटली सेकंड वेव आ जाएगी तो बोल देंगे कि इसी कारण हो रहा है, ये आपके लॉजिक है, दैट्स इट। अब देखिए अगर मैं क्लियर स्टैंड लेना चाहूँ तो मैं साफ साफ बताना चाहूंगा, गैदरिंग हर जगह हुई, लिटरली हर जगह हुई, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे सरतन से जुदा हो मीटिंग हो या फिर सिक्स का मेला हो, कुल मिला के हर जगह हर तरीके से बड़ी बड़ी गैदरिंग की गई। एंड मैं क्लियरली बोलूं तो मैं किसी भी गैदरिंग को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कुंभ हो, ये सरतन से जुदा हो वाली मीटिंग हो, या सिख मेला हो, या फिर किसी भी तरीके की गैदरिंग हो, और किसी भी तरीके से मेरा सीधा सीधा मतलब है चाहे इलेक्शन रैली ही क्यों ना, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, कुल मिला के इस तरीके की गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी पैनिक सिचुएशन के बाद भी इस तरीके की गैदरिंग्स क्यों हो रही थी, तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसको मैं थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। तो अब से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो काफी ज्यादा सीरियस होने वाला है। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा माय 11 सर्कल के बारे में। तो गाइस आई एम श्योर कि तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि T20 लीग जो चल रही है और इसी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए मेरे लिए एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप जिसका नाम है माय 11 सर्कल। इस ऐप के थ्रू आप अपने क्रिकेट नॉलेज और स्किल्स को यूज करके काफी पैसे कमा सकते हैं। इस ऐप का यूनिक फीचर ये है कि इसमें आप चैंपियंस के साथ खेल सकते हैं, लाइक रहाणे हो गया, दादा हो गए, विवेक्स लक्ष्मण हो गए। और देखो सर वैसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चैंपियंस है, इस ऐप पे आज की डेट में रणवीर सिंह भी है। आ गई ना एनर्जी भाई, इतना एनर्जेटिक बंदा आएगा तो क्यों नहीं आएगी एनर्जी। आपको डिस्क्रिप्शन से सिंपली माय 11 सर्कल को डाउनलोड करना है, दोनों टीमों में से अपने 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करना, उतार देना है,
खेलने के लिए, मतलब कुल मिला के आपको अपनी खुद की टीम बनानी है। अब जैसा कि T20 लीग चली रही है तो यहाँ पर तुम सिर्फ 1 रुपए की मदद से 1 करोड़ तक जीत सकते हो। जी हाँ, और अगर तुम मेगा लीडर बोर्ड में आ जाते हो तो यहाँ पे विनिंग प्राइस 2 करोड़ का है। अगर तुम इसी में लक्ष्मण सर की टीम को बीट कर देते हो तो तुम 5 गुना एक्स्ट्रा कैश जीत सकते हो। और अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुमको 1500 रुपए का साइन अप बोनस मिलेगा। और हाँ, अगर तुरंत करते हो तो 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा तुमको अपने फर्स्ट डिपॉजिट। आप क्या इंतजार कर रहे हो? जाओ ना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर पिन है, जाकर डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप को। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एट योर ओन रिस्क। अब ये डिस्कस करते हैं सबसे बड़े सवाल के बारे में। चाहे कुंभ मेला हो, चाहे सर तमसोजदा मीटिंग हो, या फिर कोई भी रिलीजियस गैदरिंग हो, इसको क्यों नहीं रोका जा? इसका सिंपल आंसर है इस कारण से। अगर इनमें से किसी भी तरीके की रिलीजियस गैदरिंग को रोका गया और रोकने के बाद ये चीज की गई तो जिस मुद्दों पर ये लोग वोट मांगते हैं इनको वोट कैसे मिलेंगे? अगर कुंभ रोका गया तो ये कैसे मांगेंगे? अगर सर तमसोजदा मीटिंग रोकी गई तो ये लोग कैसे मांगेंगे? तो यही चेन सिस्टम है, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये इस तरीके की गैदरिंग होने दे रहे। बाकी आप लोग समझदार है और मैं खुद भी समझदार हूँ। अगर आज के बाद वीडियो नहीं आए तो समझ लेना मुझे उठा लिया गया एंड पेटिशन चला देना तुम लोग इंटरनेट पे, ठीक है? जोक सपाट भाई, अपन ही बैठे हैं सेंट्रल में, इतनी दुश्मनी नहीं नहीं उठा। लेकिन इस जगह पे आप लोगों को, आम लोगों को सवाल करना चाहिए और आम लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। यहाँ पे मैं अपोजिशन को 1% भी नहीं देता इस तरीके के सवाल करने की या फिर क्रिटिसाइज करने। आप बंगाल में नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तमिल में तो दिन रात रैलियां कर रहे हैं। हम ये पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं, हम अंधे के जो हमको दिख नहीं रहा। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा अपोजिशन को स्पेशली कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस चीज के ऊपर बोले जब तक आप वो चीज खुद कर रहे हो नीचे के साइड में। मतलब कुल मिला के इस चीज को ना हिपोक्रेसी कहते हैं, जो आजकल हमारे यूट्यूबर्स करते हैं लाइक जस्ट सर। अब देखिए, गवर्नमेंट की इस बेवकूफी को कोई ढंग का आदमी क्रिटिसाइज करता तो भी समझ आता है। फॉर एग्जांपल, दुर्नाटी टाइप के बंदे अगर इस तरीके की चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं तो भी समझ में आता है कि भाई चलो कम से कम पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके की चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है। चलो ऐसा बंदा तो इस बात के ऊपर बोल रहा है ना जिसको ऑलरेडी लेफ्ट फंड करती होगी, अजम्पशन। नोटा ब्लेम इज अजम्पशन। तो पॉइंट इज दैट कि ध्रुवराठी और इन सब का समझ में आता है जब वो इस तरीके की चीजों पे बोलते हैं, स्क्रॉल हो गया, क्विंट हो गया, ये सब बोलते हैं तो समझ आता है कि ये ऑलरेडी एंटी बीजेपी और एंटी हिंदू हैं, समझ आता है इस तरीके के पेजेस के बारे में। लेकिन जब 2 कौड़ी के इन्फ्लुएंसर्स जिनकी औकात 10 रुपए के बराबर ही नहीं है, उनकी औकात इतनी नहीं है कि उनको कोई युवा नेता फंड करे तो लेफ्ट तो छोड़ ही दो, लेफ्ट तो घंटा करेगा इनको फंड। इस तरीके के 2 कौड़ी के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब हमारे कुंभ मेले के ऊपर बात करते हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो गुस्सा नहीं आता, नफरत आ जाती है ऐसे लोगों पर। मन करता है कि इनसे पर्सनली मिल लूं। रुतुल, अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे DM कर भाई, मैं तेरे से मिलना चाहता हूं सीरियसली। देखिए, हमारे छपरी भाई ने बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे इस तरीके की रील तो बना दी और जाहिर सी बात है बैकलैश आना ही था। तो भाई ने इसको पूरा जस्टिफाइड करते हुए एक स्टोरी डाली थी, एक बार वो स्टोरी देख लो। भाई का ना एक्चुअली कमेंट ही आ रखा था इसको रिपोर्ट करो और ब्लॉक करो। भाई ने वैसे खुद फॉलो कर रखा है, ऐसे कलाकार लोग बहुत है, ये अभी आपको बता रहा था अनफॉलो करो इसको, और भाई ने खुद फॉलो कर रखा है मुझे। ऐसे और भी कलाकार लोग हैं, मैंने रिसेंटली अभी देखे अपनी रील रिसेंटली पोस्ट करते हो कि लोगों को लगा कि मैंने ऑफेंड कर दिया उनका रिलीजन, यहाँ पे आपको एक और भाई मिल जाएगा, सब इनको अनफॉलो करो, और भाई ने खुद फॉलो कर रखा है। अनफॉलो करने को लोगों को बोल रहे, पहले खुद तो अनफॉलो कर लो। ये बंदा इतना गिरा हुआ है ना जिसकी कोई हद नहीं, सीरियसली एक नंबर गिरा हुआ बंदा है। इस बंदे ने अपने अकाउंट में ओनली फॉलोअर कमेंट वाला ऑप्शन ऑन रखा है, मतलब जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इसकी फोटो पे या वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकते। ये बंदा इस ऑप्शन को ऑन रखता है, उसके बाद लोगों को इस बात पे क्रिटिसाइज करता है कि ये लोग मुझे खुद फॉलो कर रहे हैं। भाई, वो तेरे को फॉलो इसलिए नहीं कर रहे कि तेरी शक्ल अच्छी लगती है, तेरे को इसलिए फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना ओपिनियन तेरे कमेंट सेक्शन में लिख सके, तेरे को गरिया सके, समझा? अनफॉलो करने को लोगों को बोल रहे, पहले खुद तो फॉलो कर लो। मैं कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में कैंसल कल्चर आए, लेकिन इस तरीके की कैंसल को अगर कैंसल किया जाता है तो मुझे जरा सी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सच बता रहा हूँ। अनफॉलो करने को लोगों को बोल रहे, पहले खुद तो अनफॉलो कर लो। फिर ये तो हो गई इस छपरी की बात, यानी कि इस फिल्टर की बात। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अनफिल्टर्ड वीडियो, एंड ये टिकटॉक आई मीन रील्स वीडियो देखने के बाद आपका खून खौल जाएगा, पहले देख लीजिए एक बार। कोरोना वैक्सीन तो आ गई है तो फिर लॉकडाउन की क्या जरूरत, निशाने पर किसान है या रमजान, चाट में ये बांटते हैं बांट। देखो भाई, कुछ चीजें ना मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूंगा। जब मैं तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं उन पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो उस जमात में जाकर इस तरीके की हरकत कर रहे थे, लाइक थूकना, नंगे घूमना, अश्लीलता करना, जो भी था वो। तो मैं उस तरीके के लोगों के बारे में बात करता हूँ। जब मैं कुंभ की बात कर रहा हूँ तो भी उस टाइम पे पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, साधु की बात कर। पॉइंट मेरा ये होता है कि मैं जब भी किसी चीज के बारे में बात करूँ उसका कोई रिलीजियस एंगल ना बने, और यही एक्सपेक्ट मैं सबसे करता हूँ, खासकर इस तरीके के जाहिर लोगों से। कोरोना वैक्सीन तो आ गई है
तो फिर लॉकडाउन की क्या जरूरत। अब इसको मैं अपना 10 मिनट क्यों बर्बाद करूं ये समझाने में कि वैक्सीन कितनी, और समझाने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि इनने जहाँ से पढ़ाई की होगी वहाँ पे हमें पता है क्या क्या पढ़ाया होगा इनको। लेकिन इसके एक बात में इस तरीके के लोगों को खासकर बच्चों को समझाना चाहूंगा, देखो भाई वैक्सीन आ जाने से कोरोना खत्म नहीं होगा, एंड स्पेशली फूफा जी पहले बोल चुके हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगा। प्लस अगर लॉकडाउन लगता है या फिर कुछ भी लगता है, जैसे हमारे मोमिन भाइयों के बारे में बात करता हूँ मैं, मेरे मोमिन भाइयों आपके लिए जैसे रमजान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे हम लोगों के लिए कुंभ चलो हर आदमी नहीं जा पा रहा होगा, तो हमारे चल रहे नवरात्र वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपका फेस्टिवल साल में एक बार आता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे हमारा भी साल में एक बार आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उस नीच आदमी जिसने चमगादड़ खा लिया था चाइना में बैठ के उसके चक्कर में हम दोनों परेशान। इसमें हम सिर्फ लॉकडाउन को झेल सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वैक्सीन आ जाए चाहे कुछ हो जाए। एंड लॉकडाउन वाली बात रही उसमें तो हम दोनों ही अगेंस्ट है, तुम भी अगेंस्ट हो, मैं भी अगेंस्ट हूँ, मेरे साथ वाले भी अगेंस्ट है। तो बस पॉइंट इज दैट मैं यही समझाना चाहूंगा कि प्लीज किसी भी चीज को रिलीजियस एंगल मत दिया करो, खासकर इस तरीके के जाहिल लोगों की बातें तो बिल्कुल मत सुना करो। बाकी जाओ अपनी इफ्तारी इफ्तारी करो, एंजॉय करो। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दो। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी तो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पता चल जाएगी कि मेरी न्यू वीडियो आ चुकी है। एंड ये जरूरी भी है, अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो कल को मैं धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाऊंगा और गायब हो जाऊंगा इस यूट्यूब की धरती से, फिर आप अपने ईगो की अंधी आंखों से मुझे ढूंढते रह जाएंगे और मैं आपको कहीं नहीं मिलूंगा। इसलिए थोड़े बड़े दिल वाला चश्मा लगा के मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम @samarbhaiofficial पे। बाकी सारे सोर्सेज डिस्क्रिप्शन में नहीं दिए मैंने शायद, बाकी ऐड दे दिए पढ़ लेना, गूगल खुद कर लेना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जाकर किसी को भी हिट ना दें। एंड ना डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड माय 11 सर्कल, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके बाकी सब तो सेट है, समरार भाई बेस्ट है, जय श्री राम।